नमस्कार भाई, एक बार पुनः स्वागत है। आज बड़ा शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। और चीज़ें जो बताने वाला हूँ ना आज, वो काफ़ी दिनों से आपके फ़ोन में हर एक नोटिफिकेशन, हर एक आपके दोस्त, हर एक मित्र के द्वारा आपको मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फायर फाइटरों के लिए, अग्नि योद्धाओं के लिए, उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैकेंसी अनाउंस की है और उसके बारे में उन योद्धाओं के लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि वैकेंसी किस चीज़ की निकली है। कॉल हमारे पास करते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं कि सर वैकेंसी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? कि अरे भाई, अभी तक वैकेंसी निकली है, इसकी आप विज्ञप्ति तो पढ़ो। क्या अनाउंस किया है? नोटिफिकेशन तो इसका जारी कर दिया, पर इसका पढ़ो तो सही। इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आज मैं स्पेशली आपके लिए एक वीडियो ऐसा लेकर के आया हूँ जिसमें जो विज्ञप्ति अनाउंस हुई है ना, उसके बारे में टोटल डिटेल दूंगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, मुझे विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, हर चीज़ आपको समझ में दिलवाऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कितने भी हर लोगों ने फायर फाइटर का कोर्स कर रखा है, जिन लोगों ने अग्नि योद्धाओं फायर फाइटर का कोर्स कर रखा है, उनके लिए ये बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन देना है, अगर आपको इस फायर फाइटिंग कोर्स करने के बाद में आपको एक लाइन चुननी है, इसके अंदर इंटर होना है, तो सबसे पहले इनके जो स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। सिलेक्शन ना हो पर उसके बारे में जानना ज़रूरी है। वैकेंसी आ गई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे 100% विश्वास है, नहीं पता किसी को भी फायर की वैकेंसी निकली है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। अरे भाई, एक बात बताओ, अपने को कितनी भी वैकेंसी आई, आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको कितने पद चाहिए? साधारण सी बात है, आपको पद चाहिए एक। अगर आपको केवल एक पद चाहिए तो कभी ये मत सोचिए कि वैकेंसी कितनी निकली है, ये कभी किसी से मत पूछिए। आपका एक ही हौसला चाहिए, हौसला होना चाहिए कि वैकेंसी में कैसे ही करके पेपर को, अपने को इस कंपटीशन को फाइट करना है। और फाइट कैसे करना है वो वैसे मैं ही बताऊंगा आपको, चैनल और पेज के माध्यम से आपको मैं हर चीज़ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको कुछ नहीं करना, हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर फिर से एक बार कहता हूँ, दीवारें लांगनी पड़ेगी, और वही बच्चा दीवारें लांग सकता है जिसको फायर फाइटर का नॉलेज है, फायर फाइटिंग का, जिसने पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसने सिलेबस पढ़ा है। अगर दीवारें लांग दी और विदाउट शस्त्र के चले गए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। दीवारें लांग दी विदाउट शस्त्र के चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास शस्त्र भी होना चाहिए, हर चीज़ का शोल भी होना चाहिए। सॉल्यूशन अगर नहीं है तो आप इस फायर फाइटिंग का कोर्स आपके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं देता, आपके लिए कुछ काम का नहीं है ये। अगर आपने चूज कर लिया, अगर दिल से आपने ये माना है ना कि फायर फाइटिंग, मुझे फायर फाइटिंग का कोर्स करके फायरमैन बनना है, देश के लिए मुझे कुछ अलग, कुछ अच्छा करना है, तब भाई आप इस लाइन में सबसे बेस्ट हो। पर बेस्ट के लिए जानना पाठ्यक्रम के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट होती है उनमें क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने आपके लिए आमंत्रित की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप कैसे कह पाओगे, कैसे बता पाओगे कि गवर्नमेंट वैकेंसी में क्या रिक्वायरमेंट होती है? आज मैं आपको एक संकेत दे देता हूँ, इतनी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। वही तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि बीच बीच में एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जिसमें आपके सबसे, आपकी ज़िंदगी और लाइफ के लिए सबसे महत्व होगी। वो बातें मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आप इग्नोर मत कर देना, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। फायर फाइटिंग का आपने चूज की है, फायरमैन का कोर्स करने के लिए आपने ठान लिया या कर लिया, इसमें जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए मैं सबसे शानदार चीज़ लेके आया हूँ जो बेसिक नॉलेज है। भाई राजस्थान हो, अलग अलग स्टेट कोई भी हो, MP हो, UP हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, कहीं पर भी वैकेंसी आई, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और उन रिक्वायरमेंटों के बारे में अगर आपने जान लिया तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन आप 50% पहले ही हो गया। बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता पता है आपको? सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अपने को गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इस बच्चे के लिए फायर फाइटिंग बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। कोर्स कर लिया, मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जो बच्चे रियल में फायर फाइटिंग का कोर्स किया है, रियल में उसने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा जिन्होंने ओनली फायर फाइटिंग का नाम ले लिया, कोर्स कर लिया, पता नहीं कहाँ से किया, उसको यही नहीं पता फायर कहते किसे हैं। उन बच्चों के लिए बात, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं, उसका तो जिक्र ही छोड़ दो, वो तो साइड में ही है। और जो बच्चे दिल से आज इस लाइन में आए ना, गवर्नमेंट आपको ऑफर देगी आने वाले समय में,
हर जगह फायर फाइटर का इतना महत्व होगा कि आप सोच नहीं पाओगे, पर आपके लिए गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि हर एक बच्चे को ले लेगी। जिस बच्चे ने दिल से चुना पाठ्यक्रम का अध्ययन किया उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आज वैकेंसी के जो आई है ना, अभी देखो मैं पहले बता देता हूँ, काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि इस वैकेंसी के बारे में आपसे आपको रूबरू करवाऊँ। क्यों भाई, अभी दो तीन दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके न्यूज़ कटिंग चल रही है, काफ़ी इसके नोटिफिकेशन चल रहे हैं कि वैकेंसी आ गई, भी वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरो, फलाना दिखड़ा। उसमें क्या फ़ायदा भाई, इसके बारे में जानो, समझो वैकेंसी आई है, किस चीज़ की आई है। आपको मैं रूबरू करवाने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। बता देता हूँ, 21 जनवरी 2021 या 21 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुंबई एंड रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर RMRC, यानी दो ये अनुसंधान केंद्र है जिनमें वैकेंसी का अनाउंस हुआ है 21 डेट को, जनवरी को, यानी 21 तारीख को इन दो अनुसंधान केंद्रों में वैकेंसी अनाउंस किया गवर्नमेंट ने। और उसमें हर एक सेक्टर में, हर एक ट्रेड में अलग अलग पदों के अनुसार रिक्वायरमेंट निकाली है। और उसमें दो पद विशेष है फायर फाइटरों के लिए, जिन स्टूडेंटों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन मेरे साथियों ने, जिन मेरे दोस्तों ने फायर फाइटिंग में सब फायर ऑफिसर का कोर्स कर रखा है उनके लिए भी अलग से विज्ञप्ति निकली है भाई। और जिन्होंने फायरमैन का कोर्स कर रखा है, हेवी ड्राइवर लाइसेंस है, जो फायर मैन बनना चाहते हैं, फायर फाइटिंग का बेसिक कोर्स कर रखा है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक विशेष ऑफर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहना, वीडियो को इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना भाई, चीज़ काम की है। नहीं आपने, चलो मान लिया भी आप स्टार्टिंग आपका फायर आपने कोर्स कर लिया और आपकी जो इस विज्ञप्ति में रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, फिर भी आपको पता तो चलेगा भी गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें आपको आमंत्रित करती है वैकेंसी के लिए। जुड़ो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बताऊं, उस तरीके से चलो, पढ़ो, पढ़ने के बाद में गवर्नमेंट ऑफर देती है। किसी को, अनजान व्यक्ति को कोई किसी चीज़ का ऑफर नहीं मिलता। अगर आपको नॉलेज है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा आपने एक्सेप्ट कर रखी है, ग्रहण कर रखी है, तभी आपके लिए वो चीज़ कामयाब भी बनेगी और वो चीज़ आपके लिए ही होगी। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, कागज़ दुनिया लेके फिरती है भाई, दुनिया लेकर के घूमती है, कोई कहीं से बनवा लेता है, कोई के नॉलेज वाले बंदे का तो अलग ही चाल डाल होगा, रंग ढंग होगा। अरे आज बात करते हैं भाई, दोनों अनुसंधान केंद्रों में वैकेंसी अनाउंस हुई है। पहले तो मैं, सबसे पहला पॉइंट है, कितनी विज्ञप्ति जो अपना पद है वो अनाउंस हुए उसके बारे में बताता हूँ। टोटल 17 पद की वैकेंसी निकली है दोनों अनुसंधान केंद्रों में, टोटल 17। और दोनों में से बात करूँ तो ओनली ज़्यादा भामा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसमें ओनली 17 पदों की, यानी इसी में बेसिक, इसमें 17 पदों की फायरमैन और सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है वो बातें करेंगे, समझना, ताकि आपको ये वीडियो, ये जानकारी लंबे समय तक काम आए। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी द्वार हो, पहले किसी भी गांव या किसी भी शहर में जाने से पहले उसके बारे में जान लेना तो सबसे बेटर होता है, अपने को शांति भी मिलती है। और मैं आपको बताता हूँ कि इस शहर में इंटर करने से पहले, इस भर्ती में इंटर करने से पहले जो चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊँगा वो आपके लिए ता जिंदगी, हमेशा के लिए आपके लिए एक अपना बोन्स, जो बेसिक पॉइंट है, बोन्स बन के रहेगा, ये आपके लिए बोन्स है। ये सबसे पहले मैंने बता दिया कि 17 पदों की फायरमैन और सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइवर सह पंप ऑपरेटर, ड्राइवर सह पंप ऑपरेटर में कौन कौन से कास्ट में कितनी कितनी वैकेंसी अनाउंस की है वो भी मैं बतवा देता हूँ कि कौन इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अरे भाई, इस वैकेंसी की दौड़ में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से कास्ट के लिए, इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है, उसके लिए भी बताया गया है। मैं बताता हूँ, देखिए, SC विद्यार्थियों के लिए कोई भी पद नहीं है, SC विद्यार्थी फॉर्म इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि जो फायरमैन है ड्राइवर कम पंप फायर ऑपरेटर, उसके लिए SC विद्यार्थियों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST विद्यार्थियों के लिए भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। और जो OBC के विद्यार्थी है उसके लिए कितनी वैकेंसी है, उसके लिए 4 OBC जो विद्यार्थी है उसके लिए 4 वैकेंसी है। और हाँ, EWS यानी जो बच्चे
EWS का मतलब समझ गए ना भाई, जिन्होंने EWS सर्टिफिकेट ले रखा है वो उन बच्चों के लिए एक अपना एक पद निकाला गया है, ठीक है। और NRCS जो जनरल की सीटें है ना वो इसमें कितनी है, 6, यानी टोटल इसमें सीटें हो गई 11 सीटें भाई। जो सह अग्निशमन सॉरी जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली है उसमें 11 पोस्टें हैं टोटल, 11 में से अलग अलग मैंने कास्ट बता दी। वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में आएगी चीज़ें। आपने नोटिफिकेशन देख लिया, मुझे पता है किसी को नहीं पता, नोटिफिकेशन देख लिया समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज़ें, एक एक जानकारियाँ, वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी भाई। उसके बाद में जो सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जो उप अधिकारी की वैकेंसी निकली है, वो कितने पद है टोटल में, इसमें 11 टोटल मैंने बताए थे 17 पद, और 11 आ गए टोटल, कितने रह गए पीछे 6 पद और हो गए, और 6 में से कौन कौन सी कास्ट के लिए ये पद निकाले गए हैं। सब फायर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ भाई, सब फायर ऑफिसर की सुनते रहिए। SC विद्यार्थियों के लिए एक सीट दे दी है इन्होंने, जो SC कैटेगरी से आता है उन विद्यार्थियों के लिए एक सीट है, और जो ST के लिए आता है उसके लिए भी एक सीट है, जो OBC के लिए आता है उसके लिए भी एक सीट है, जो EWS के लिए आता है उसके लिए भी एक सीट है, और जो NRCS जो जनरल सीट में जिसको आरक्षित नहीं है, जो आरक्षित नहीं है NRCS बच्चे हैं उनके लिए 2 सीटें, यानी टोटल 6 पद निकाले गए हैं सब फायर ऑफिसर के, ठीक है भाई। आपको पद पता चल गए ना, कितने पद निकाले हैं, कौन कौन सी कास्ट में, कौन कौन सी क्राइटेरिया में, कितने कितने पद निकले हैं, किन किन कौन कौन बच्चे कितनी कितनी पदों के लिए भागदौड़ में शामिल है, समझ गए ना। अरे भाई आपको कितने पद चाहिए, आपको चाहिए एक पद, ध्यान देना समझ लेना चीज़ें, आपकी ये जानकारियाँ काम आएगी। आप मुझे पता है कभी भी इसके नोटिफिकेशन PDF आपने डाउनलोड करके कभी भी नहीं पढ़ा भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अरे भाई फायरमैन बनना है ना, अगर फायरमैन बनना है तो चीज़ें जानना ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं योग्यता और अनुभव की, यानी जिन बच्चों ने रिक्वायरमेंट निकली है उसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, कितना बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, और अनुभव भी मांग रखा है भाई। अगर अनुभव नहीं है, विदाउट बिल्कुल फ्रेशर हुआ, आज ही कोर्स किया है, कल आप जॉब जा रहे हो तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। बामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी निकली है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी आपके लिए आपके मतलब हौसला बुलंद करेगी भी, ये रिक्वायरमेंट वाकई में फायर फाइटर की रिक्वायरमेंट ये होती है, तो आपको ये लगेगा वास्तव में ये होते हैं फायर फाइटर, डिप्लोमा कर लिया है, पता नहीं कहाँ से किया, नॉलेज है नहीं उन बच्चों के लिए नहीं है, मैं भड़काऊंगा नहीं, जो अच्छा नॉलेज है ना जो जिनको लेना है उस बच्चों को दूंगा, अदरवाइज आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आप फायर फाइटर की भाग दौड़ में शामिल नहीं हो सकते अगर आपके पास रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। फायर की परिभाषा नहीं पता बहुत सारे बच्चों को, क्या करोगे, फायर फाइटिंग का कोर्स कर लिया नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा काम, मैं बताता हूँ कैसे नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, बनना है फायर फाइटर, कोई यही थोड़ी है पाइपें उठा ली चले गए काम कर लिया वो हो गया, ये नहीं स्टैंडर्ड का काम है भाई। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, फिर आप कहोगे सर आप तो डरा रहे हो, डराने की बात नहीं कर रहा मैं, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा हूँ। अगर जिन बच्चों को अपना ये ड्राइवर की जो वैकेंसी निकली है उसमें कम से कम 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस से, और उसके पास केमिस्ट्री HSC से 12th पास होना चाहिए, कम से कम 50% उस बच्चे के होने चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री शब्द क्यों है, केमिस्ट्री क्योंकि रासायनिक केमिकल का नॉलेज उस बच्चे के पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी अपने 12th में लेते हैं ना साइंस में केमिस्ट्री होती है ना, तो उसी में वो कम से कम 12th साइंस से की हुई होनी चाहिए बच्चे की, वही बच्चा उसमें फॉर्म भर सकता है, क्योंकि ये क्या है, बामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। उसके अलावा क्या मांग रहा है, उसके अलावा कम से कम 1 वर्ष का अनुभव, वो भी किस में, ड्राइविंग में, 1 वर्ष का अनुभव हो ड्राइविंग में, ठीक है। और हेवी लाइसेंस तो हुई हो भाई, हेवी लाइसेंस होगा, हेवी लाइसेंस बनने के बाद में आपका 1 वर्ष का अनुभव, वो भी ड्राइविंग लाइन में, प्लस में आपके संबंध देखिए जो भी अग्निशमन उपकरण ले लिए या अग्निशमन फायर फाइटिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एक अपने स्टेट गवर्नमेंट से, अप्रूव्ड स्टेट गवर्नमेंट से, अथॉरिटी सेंटर से, अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान से आपके पास एक लीगल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलीगल की बात नहीं कर रहा मैं, लीगल आप जानते हो, समझ भी रहे हो, जो ध्यान से देख रहा है ना वो समझ रहा है लीगल और इलीगल में क्या फ़र्क होता है, पढ़ना पड़ेगा, काम अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वैकेंसियाँ मिलेगी। इस प्रकार से आपको पोस्ट ये आपके पास ऊपर तो पड़ी नहीं है कि ये फॉर्म भर दिया और आपने लग गए, एक पद चाहिए, मेहनती बच्चा इसमें जिसने दिल से इंटर किया है ना वो बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा, ऐसे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सब फायर ऑफिसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट मांग रखी है। पहला तो इसमें इसने ये बोल दिया कि 12th पास तो होना ही होना चाहिए, HSC से, साइंस से, वो भी 50%, ठीक है। और प्लस में
जो NFSC है ना, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें से उस बच्चे का सब फायर ऑफिसर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये इसमें शैक्षणिक योग्यता मांग रखी है। और अनुभव की बात करूँ तो कम से कम 12 वर्ष का अनुभव, कितने वर्ष का, 12 वर्ष का अनुभव कम से कम हो, ठीक है। और 2 वर्ष का जो अनुभव है आपेक्षिक योग्यता के बाद में हो, यानी आपने कोर्स कर लिया उसके बाद में 2 वर्ष का अनुभव, और उससे पहले भी आप फायर लाइन में इंटरव्यू होने चाहिए। यानी बेसिक आपने फायर फाइटिंग का कोर्स कर लिया हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपने कम से कम 12 का होना चाहिए, और 2 वर्ष का आपको उस NFSC से अपना डिप्लोमा या जो भी डिग्री आपकी करने के बाद में आपका क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीज़ें समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, अच्छी चीज़ें हैं, समझो। अब बात करता हूँ मैं एज की, भैया एज लिमिट कितनी होती है पहले ही बता देता हूँ। न्यूनतम तो देखो हर एक वैकेंसी में कितनी देती है गवर्नमेंट, 18, यानी 18 वर्ष का जो बच्चा है, 18 वर्ष का जो स्टूडेंट है, 18 वर्ष का जो भी विद्यार्थी है वो ये फॉर्म भर सकता है। यानी न्यूनतम अपना जो मिनिमम आयु है, मिनिमम एज है वो दी है 18 ईयर, ठीक है। 18 वर्ष का जो भी विद्यार्थी है वो फॉर्म भर सकता है। और रही बात अब कैटेगरी की बात करते हैं, अभी मैक्सिमम मेन पार्ट होता है मैक्सिमम, यानी कितने अधिकतम उम्र वाले इस कंपटीशन में भाग दौड़ में शामिल हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं बता देता हूं, जैसे सब फायर ऑफिसर की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो उसमें SC ST, ठीक है, OBC, EWS है, अनारक्षित, उनके लिए कितनी कितनी एज का जो दायरा है, जो क्राइटेरिया है दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, SC के जो विद्यार्थी है ना वो मैक्सिमम 45 अगर एज है उसकी तो भी वो इस भाग दौड़ में, इस कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं, जो SC के विद्यार्थी हैं। ST के हैं उसको भी 45 का एज का क्राइटेरिया दिया गया है, और जो OBC के उसको दिया गया ओनली 43, यानी 43 से अगर आप मैक्सिमम है ना तो आप फॉर्म और इस कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकते। अगर 18 और 43 के बिटवीन हो या 43 लास्ट एग्जाम तक, तो आप इस भाग दौड़ की दुनिया में शामिल हो सकते हो, ठीक है। और अनारक्षित है जो जनरल में आते हैं उनके लिए 40 का क्राइटेरिया दिया गया, यानी कम से कम 40 ईयर उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी एज हो सकती है। और बात बता देता हूँ सब फायर ऑफिसर का वेतन भी बता देता हूँ, यानी स्टार्टिंग में अगर आपने सारे क्वालिफिकेशन, सारे इसके पॉइंट क्लियर कर दिए और वैकेंसी में इंटर हो गए, तो आपके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इसमें वेतन होगा 35,400, यानी 35,400 रुपये आपका स्टार्टिंग वेतन होगा। सब फायर ऑफिसर की बात कर रहे हैं। अब बात करता हूँ ड्राइवर की, जो DCPO की है, ड्राइवर कम पंप फायर ऑपरेटर जो वैकेंसी निकली है उसमें भी एज का क्राइटेरिया दिया गया है। वेतन भी बता देता हूँ, पहले वेतन बता देता हूँ 21,700, यानी 21,700 रुपये इसमें क्या स्टार्टिंग वेतन है ड्राइवर वैकेंसी के लिए, ड्राइवर फायरमैन वैकेंसी के लिए। और बात करते हैं एज के क्राइटेरिया के लिए, मिनिमम तो आपको मैंने बता दिया कि 18 ईयर का जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकता है। और मैक्सिमम की बात करते हैं, SC विद्यार्थी के लिए सीट इसमें नहीं है, SC विद्यार्थी के लिए सीट नहीं है। सॉरी, SC विद्यार्थी के लिए इसमें कोई वो नहीं दिया गया, क्राइटेरिया नहीं दिया गया, OBC के लिए, सॉरी ST के लिए नहीं दिया गया। और जो OBC है उसके लिए 30 दे दिया गया है, OBC है उसके लिए कितने दे दिए गए हैं, उसके लिए नहीं, अपने भी पहले बताया था SC ST के लिए उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, जो अपने अग्निशमन के लिए फायर ड्राइवर की वैकेंसी है, SC ST के लिए वैकेंसी है ही नहीं, OBC होगी, ठीक है, OBC होगी, EWS होगी, अनारक्षित होगी, इन तीनों कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में ये बोलते हैं कि SC और ST के लिए तो वैकेंसी है नहीं, तो उसके लिए एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया, बाकी OBC और अनारक्षित के लिए OBC का जो छात्र है उसके लिए मैक्सिमम 30 वर्ष का होना चाहिए, या 30 वर्ष का आपके हो या उसमें ज़्यादा हो तो आप नहीं फॉर्म भर सकते, 30 वर्ष के ही स्टूडेंट इस फॉर्म की भागदौड़ की दुनिया में शामिल हो सकते हैं, इस रिक्वायरमेंट को फिलअप कर सकते हैं। और अनारक्षित के लिए 27 एज दी गई है, जो अनारक्षित है ना उसके 27 लास्ट है, ठीक है। उसके बाद में चयन की प्रक्रिया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सर मान लिया सर हमने फॉर्म भर दिया, हमारी सारी चीज़ें क्लियर है, तो हम इसमें इंटर करेंगे, ठीक है, तो वो आगे क्या क्या हमसे करवाएंगे, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर क्यों क्यों करवा सी मार्कू, बीमार राजस्थानी भाषा में अपने बोलते हैं ना तो ये बात बोलते हैं, सर क्यों करवाएगा, वो बात है। अब बताता हूँ कि क्या क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे इसमें 3 चरणों में आपका एंट्री गेट होगा, 3 गेट होंगे, पहला गेट क्या होगा, यानी 3 चरण होंगे इसमें, पहला होगा आपका मेडिकल, दूसरा होगा फिजिकल, फिर होगा रिटर्न, ध्यान देना,
मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, शारीरिक मापदंडों का मूल्यांकन आवश्यक है, यानी बॉडी की आपकी जो प्रोसेस है ना वो चेक करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, तो आप विकलांग तो नहीं हो सकते, तो वो तो उसके लिए फायर फाइटर, विकलांग हो तो फायर फाइटिंग का कोर्स करना उसके लिए तो योग्य है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा कद है ना, कद हाइट की बात कर रहे हैं, 165 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए, कद होना चाहिए। अभी जिस बच्चे का स्टार्टिंग में इंटर कर रहे हैं, पहले चरण पहले गेट की बात कर रहे हैं, 165 सेंटीमीटर उसका कद होना चाहिए, ठीक है। पहले चरण में वजन कम से कम कितना होना चाहिए, 50 kg, यानी 50 किलो का व्यक्ति कम से कम वो फायर फाइटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट की बात कर रहे हैं, वो कम से कम 81, तो अगर अपने फुलाते हैं तो 86 चाहिए, अगर नहीं फुलाते हैं साधारण 81 उसकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद में अब आती है दूसरा सेकंड पार्ट आता है, सेकेंड चरण आता है, फिजिकल का पार्ट आता है। इसमें क्या क्या करते हैं, अभी इतनी चीज़ें अगर आप में आप फिट हो इन चीज़ों में, तो उसके बाद में सेकेंड चरण आता है। देखिए क्या कहता है, उसमें आपको 100 मीटर की दौड़ होगी, 100 मीटर की दौड़ होगी, और वो भी मैं बता देता हूँ कितने कितने समय में पूर्ण करनी है, कितने समय में कंप्लीट करनी है, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, SC ST OBC जनरल और EWS, यानी जो भी विद्यार्थी इन्होंने इस वैकेंसी में फॉर्म भरे हैं उन वैकेंसियों के लिए, इन कैटेगरी के लिए अलग अलग पद अलग अलग टाइम दिया गया है। जैसे उसमें कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग आप फिजिकल टेस्ट कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, 100 मीटर की आपको दौड़ करनी है। टाइमिंग क्या प्रोसेस होगी, आपको अगर आप जनरल में है तो आपको मिलेगा 25 सेकंड का टाइम, अगर आप जनरल में अनारक्षित है तो आपको कितने सेकंड का मिलेगा, 25 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आप 25 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ क्लियर करते हो तो आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए सिलेक्ट हो गए। और ST और OBC विद्यार्थियों के लिए, ST और OBC विद्यार्थियों के लिए 28 सेकंड का समय होता है, और SC विद्यार्थियों के लिए 30 सेकंड का समय होता है। नेक्स्ट में पार्ट आता है 15 मीटर होज, जो 15 मीटर के अपने फायर फाइटिंग में होज होते हैं ना, होज डिलीवरी होज की बात कर रहा हूँ, डिलीवरी होज, उन होजों को, तीन होजों को जोड़ना, जैसे फायर स्टैंडर्ड के अनुसार, फायर ड्रिल के अनुसार, उनको इस प्रकार से जोड़ना, फायर फाइटिंग करना, यानी फायर फाइटिंग करने से पहले उनको सुचारू रूप से जोड़ना, तो उनके लिए कितना टाइम मिलेगा, भी 3 15 मीटर की होज को जोड़ना है, कपलिंग टू कपलिंग, तो उसमें कितना, 3 मिनट का समय मिलता है जो जनरल विद्यार्थी है उसको, और जो अपना ST और OBC का कैटेगरी जो विद्यार्थी उसको मिलता है 4 मिनट का, जो SC विद्यार्थी उसको 5 मिनट के समय मिलता है, कि तीनों होज आपको क्या करनी पड़ी, जोड़नी पड़ी, कपलिंग टू कपलिंग, ठीक है, फायर ड्रिल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आता है पुशअप, यानी पुशअप भी इसमें दिया गया है, यानी ये वैकेंसी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। हाँ, इतना बता देता हूँ कि नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा यार, बहुत स्टैंडर्ड सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट आई, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अलग है, भिन्न है, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट निकली है, बहुत अच्छा शानदार रिक्वायरमेंट है इसकी, सारी चीज़ें आपको मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लिप ना करना भाई, अगर आप इस योग्य नहीं हो फ्लिप ना करना, पर समझने की तो आपको जरूरत है ना, समझ तो रहे हो ना आप। उसके बाद में क्या होता है कि आपको पुशअप, यानी जो अगर आप जनरल में होता कम से कम 20 पुशअप करने होंगे, और अगर आप ST और OBC में हो तो आपको दे दीजिए कि 15 पुशअप करने होंगे, और अगर SC में हो तो आपके लिए ओनली 12 पुशअप करने होंगे। उसके बाद में आता है 1.6 मीटर की दौड़, उसके बाद में 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, वो भी कितने कितने समय में, अगर जनरल विद्यार्थी है तो उसको 10 मिनट मिलती है, भी 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ करके आना है, अगर 10 मिनट में अगर क्लियर कर देता है तो वो अगली नेक्स्ट पॉइंट के लिए शामिल हो सकता है। ST और OBC विद्यार्थियों को 12 मिनट का टाइम मिलता है, और जो SC विद्यार्थी है उसको मिलता है 14 मिनट का टाइम, ठीक है। अब आती है फायरमैन की लिफ्ट पद्धति, लिफ्ट पद्धति का समझ गए ना, यानी एक फायरमैन अपने ही जो वेट के फायरमैन को उठा करके दौड़ना होगा, अपने ही वेट को फायरमैन को उठा करके दौड़ना होगा, यानी उसमें अपने लिफ्ट पद्धति फायरमैन में करते हैं ना, लिफ्ट पद्धति वही इसमें ड्रिल का ही एक पार्ट है, उस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं ना, अभी बचाते हैं किसी व्यक्ति को अगर वो एक्सीडेंट हो जाए तो, यानी वो भी अपने को करके दिखाना पड़ेगा भाई। एक फायरमैन अपने ही वेट के फायरमैन को उठा करके उसको टाइम मिलता है, ठीक है, कितना टाइम मिलता है, ST जो जनरल है उसको 3 मिनट में, हाँ सॉरी एक ना बता देता हूँ, अपने ही वेट को उठा करके 25 मीटर तक चलना होता है, कितने मीटर तक, 25 मीटर तक, और ये टाइम कितना मिलता है, जनरल है उसको 3 मिनट का मिलता है, और जो SC
जो ST और OBC है उसको मिलता है 4 मिनट का, और जो SC है उसको मिलता है 5 मिनट का। समझ में आ गई ना भाई, जिनको दौड़ करनी है कितनी मीटर की, 25 मीटर की, अपने वजन के व्यक्ति को उठा करके। एंड ड्रिल में ये सब जानते हो, अगर आप फायर फाइटर हो तो जानते हो, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो ना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आता है ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो ज़रूरी है ही भी, जो अपने DCPO की वैकेंसी को फ्लिप कर रहा है उसके लिए ड्राइवर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही। अरे सब फायर ऑफिसर और DCPO ड्राइवर कम पम फायर ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो DCPO वालों के लिए फायर ड्राइवर की जो हेवी लाइसेंस है उसकी रिक्वायरमेंट है। ये ड्राइविंग टेस्ट आपको उसको तो करना ही होगा, फिजिकल की बात कर रहे हैं, दौड़ बोड़ ये तो होगी, उसके बाद में ड्राइविंग टेस्टिंग होगी उसकी, ठीक है। ठीक है, एक और बता देता हूँ, जैसे अपने दूसरे पार्ट पढ़ा था ना फिजिकल पार्ट में कि 100 मीटर की दौड़ उसको करनी होगी, अगर यही नहीं करके कर पाया ना तो वो इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकता। वो तो यानी वो तो अनिवार्य है, पहला पॉइंट है ना, 100 मीटर की दौड़ करनी होगी, टाइमिंग दी हुई थी 25 सेकंड, ठीक है, 28 सेकंड और 30 सेकंड, यानी पहला पॉइंट ये तो आपको क्लियर करना जरूरी अनिवार्य है। उसके बाद जितने भी पॉइंट आते हैं, 2 से लेकर जितने भी आगे पॉइंट है, वो पॉइंट में क्या होगा, कम से कम 90% से ऊपर इसमें क्या होगा, औसतन इसमें परसेंटेज निकाल लिया जाता है, उसके हिसाब से इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, समझ गए। उसके बाद में आता है पर्सन, ठीक है, पर्सन यानी इसमें किस प्रकार से आप नेक्स्ट चरण कौन सा होता है, भाई आपका मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, उसके बाद में क्या आते हैं क्वेश्चन, रिटर्न टेस्ट होता है। क्या होता है, रिटर्न टेस्ट, उसमें क्या होता है, उसमें आपको मिलेंगे 50%, कितने मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे, यानी टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, 150, कितने नंबर का हो गया, 150, यानी 150 नंबर का एक एग्जाम होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन कर दिया तो उस क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस प्रकार से इस वैकेंसी के जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के इतने क्वेश्चन होंगे, इतने नंबर होंगे, अगर गलत कर दिया तो उसका नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, समझ गए। उसके बाद में अपने बात करते हैं, 2 बातें इसमें हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3 बातें हो रहे हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। फीस का तो आप फॉर्म में देख लेना कितनी है, भी जो सब फायर ऑफिसर भर रहे हैं उसके लिए तो मिनिमम 150 का दिया हुआ है, और जो अपना फायरमैन DCPO की भर रहे हैं उसके लिए 100 रुपये का चार्ज है। रिक्वायरमेंट आप फ्लिप कर रहे हो ना, 21 तारीख से लेकर के 15 तारीख इसकी लास्ट है, यानी 15 फरवरी लास्ट है, उससे पहले पहले इसकी रिक्वायरमेंट आपको फ्लिप करनी होगी। अगर आप इस सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको फाइट करते हो, इन चीज़ों में आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी आपके लिए क्या राइट है, तब आप इस चीज़ में भागदौड़ की दुनिया में शामिल हो सकते हो, भागदौड़ की इसमें फायर फाइटिंग के कोर्स में शामिल हो सकते हो, सॉरी कोर्स नहीं, इस वैकेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2-3 बातें और दे रखी है कि भाई एक ये भी है, भाई कम से कम एक बार जैसे सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी आप इंटर हो गए, सर हम फायरमैन लग गए, देखो इसमें 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपकी सैलरी इतनी होगी पर क्या करेंगे, 2 साल का प्रशिक्षण देंगे, यानी उनके अकॉर्डिंग जो जो उसके नोमिनो है वो आपको फ्लिप, यानी 2 साल में आपको पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे उनके अकॉर्डिंग, भाई यहाँ किस प्रकार से काम करना है, यानी सारी चीज़ें बामा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जाएगी, समझ गए। अगर उसके बाद में क्या होता है, कम से कम उसको 3 साल तक इन जैसे परमाणु अनुसंधान केंद्र हो गया, ठीक है, मेडिसिन अनुसंधान केंद्र हो गया, रेडिएशन, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, उस विद्यार्थी को सेलेक्ट हुए 2 साल तो प्रशिक्षण देना होगा, ठीक है, और उसके बाद में 3 साल कम से कम वहाँ सेवा देनी होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में सेवा देनी ही होगी। अगर आपको किसी कारणवश आप सेवा नहीं दे पाए तो क्या कर दिया जाएगा, उसमें रूल बहुत स्टैंडर्ड दिए गए हैं भाई, रूल बहुत 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 अलग दिए गए हैं, यानी अगर आप 2 साल जो प्रशिक्षण लिए है ना, जो आपकी सैलरी दी है वो विध ब्याज वापस देनी होगी, जो आपका खर्चा लगा है विध ब्याज आपको वापस देनी होगी गवर्नमेंट को, इसका मतलब आपको काम करना पड़ेगा, सेलेक्ट होना है, तो ये पूरी रिक्वायरमेंट आपको क्रॉस करनी होगी, उसके बाद में आप इंटर कर पाओगे, मैंने बता दिया। अरे सुनो भाई सुनो, आप मान लीजिए भी आज वैकेंसी फॉर्म नहीं भर पाए, पर आपको जानकारी तो मिली नहीं भी क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है, जो बच्चे नहीं हैं और जिन बच्चों को दिल से, जो बच्चे हकीकत में रियल में फायर फाइटर बनना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, और जिनको फायर की परिभाषा ही नहीं पता, डिप्लोमा ले लिया काका मामा ताऊ से, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, फायर फाइटिंग रियल में बनना है ना, पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप उस पोस्ट को हासिल कर पाओगे जिसमें आपने जुनून है, ऐसे थोड़ी फायर फाइटर बना जाता है, पढ़ना भी पड़ेगा, हर चीज़ आपके पास लीगल होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ आपको क्रॉस करना पड़ेगा, लांगना ऐसे नहीं आज यहाँ तो अगले 2 दिन 2 किताब छोड़ के तीसरी किताब में, ऐसे नहीं चलेगा,
पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा, हर एक कंसल्टेंट्स करने वाला बंदे से आपको राय लेनी होगी, तब जाकर के आप एक अच्छी पोस्ट हासिल कर पाओगे फॉरमैन में। अदरवाइज 5-7 हज़ार में जॉब कर लेना, बाद में छोड़ दोगे, घर पे बैठ जाओगे, इस प्रकार से थोड़ी है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। बाकी आपको मुझे ज़्यादा डराना ये मेरा मकसद नहीं है, ओनली मैं तो